नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, भाई बहुत से कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि सर बैटरी लेस इन्वर्टर को कहीं पे अगर सोलर पंप लगा हो तो वहाँ पे उसको चला के दिखाओ, वहाँ पे उसकी टेस्टिंग करके दिखाओ। तो आज इस वीडियो में वही आपको दिखाने वाला हूँ। जो हमारा 5 किलोवाट का बैटरी लेस इन्वर्टर है उसको हमने डायरेक्ट लगाया है जहाँ पे सोलर पंप लगा हुआ था ऑलरेडी पहले। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वहाँ पर कितने पैनल लगे थे, कितने HP का वो सोलर प्लांट लगा था और उससे कितने HP की मोटर चल रही थी, साथ ही साथ हमने उसमें से कितने पैनल बैटरी लेस इन्वर्टर से अटैच किए हैं और क्या कुछ उससे लोड चला है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं संग्राम सिंह, SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई बात हो रही है बैटरी लेस इन्वर्टर की। देखिए, बैटरी लेस इन्वर्टर का काम होता है कि जिस पे आप डायरेक्ट सोलर से घर का लोड चला सके, जिसमें आपको किसी बैटरी की आवश्यकता नहीं है, किसी और चीज़ की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको उसमें कोई अर्थिंग देनी है, ना ही उसमें आपको कोई फेस देना है। केवल आपको सोलर लगाना है और सोलर से सीधा आपको घर का लोड चलाना है। ये काम होता है बैटरी लेस इन्वर्टर का। तो जहाँ हमने ये इंस्टॉल किया है, ये है यमुनानगर हरियाणा में एक जगह है, तो वहाँ पर हमने इंस्टॉल किया है, वहाँ ये शूट किया है। तो वहां पर एक्चुअली क्या था, पहले हम वो जान लेते हैं, पहले हम देखते हैं वहां ऑलरेडी पहले से क्या लगा हुआ था। तो वहां पर जो प्लांट लगा हुआ है वो लगा हुआ है 10 HP का, जिसपे 10 HP के सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो टोटल अगर काउंटिंग करें तो 28 पैनल है टोटल, जो कि 325 वोट के हैं। तो 325 वोट के 28 पैनल वहां पर लगे हुए हैं, उनसे जो है मोटर 10 HP की चल रही है। ये गवर्नमेंट वाला प्रोजेक्ट था, तो गवर्नमेंट टेंडर के अंडर ये प्रोजेक्ट लगा हुआ था, तो इससे 10 HP की मोटर चल रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ ये हुई, जब हम वहाँ पहुँचे तो शाम हो चुकी थी और शाम का जो टाइम था, हमने जब उससे वो जो मोटर लगी हुई थी वही चलाई, तो वो भी नहीं चली क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, धूप हमारे पास नहीं थी। लेकिन हमने जब बैटरी लेस इन्वर्टर लगाया तो उससे ज़्यादा लोड तो नहीं चला, लेकिन थोड़ा बहुत लोड चला। फिर हमने उसी कस्टमर से बाद में वीडियो मंगाई है कि भाई, जिसमें उसने अपना कस्टमर रिव्यू दिया है कि भाई हमारा यही लोड चल रहा है, वो आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी अलग अलग पार्ट्स में। तो ये है भाई, ये यहाँ पर कंट्रोलर लगा हुआ है, ये आप जो देख रहे हैं ये कंट्रोलर AVI कंपनी का है, जिसने भी टेंडर लिया होगा उसके थ्रू ये कंट्रोलर है। तो अभी यहाँ से एक बार मोटर के वायर इस पर लगा रहे हैं। मोटर के वायर लगाने के बाद हम इसको ऑन करेंगे। पहले मैं एक बार टाइम दिखा देता हूँ, अभी टाइम क्या हुआ है, अभी टाइम हो चुका है 5:30 बज चुके हैं लगभग। तो अब जब इसमें हमने इसको स्टार्ट किया, पहले आप देख लेते हैं हम इसको स्टार्ट करके। तो ये हमने इसमें मोटर की वायर अटैच कर दी। मोटर की वायर अटैच करने के बाद हम इसको एक बार ऑन करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको एक बार ऑन किया, तो ये जो वोल्ट दिखा रहा था, ये वोल्ट दिखा रहा था ऑलमोस्ट 600 के करीब। तो जब हमने इससे देखा, हमारी जो मोटर थी वो इससे नहीं चल रही थी। मैं एक बार मोटर की तरफ आपको दिखाता हूँ, ये हमारी जो मोटर लगी हुई है, जो मतलब कस्टमर की मोटर लगी हुई थी, तो ये यहाँ पर थी। तो यहाँ पर ये मोटर ऑन नहीं हो रही थी इससे। तो धूप काफ़ी कम थी, तो हमें लगा कि शायद बैटरी लेस इन्वर्टर का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने फिर इसमें से इसकी सीरीज़ हटा दी। इसकी सीरीज़ हमने क्या किया, क्योंकि बैटरी लेस इन्वर्टर की जो VOC है वो 350 से 420 के बीच है, तो हमने इस पर 9 पैनल अटैच किए। 9 पैनल अटैच करके हमने जो है इससे बैटरी लेस इन्वर्टर को जोड़ा। तो 9 पैनल की एक सीरीज़ हमने लगाई। ये हमारा बैटरी लेस इन्वर्टर है, ये आप देख रहे हैं। एक बार हम इसको पहले निकाल लेते हैं। तो ये हमने बाहर निकाले इसको, ये हमारा 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर बैटरी लेस है। तो इससे हम इसको अटैच करेंगे, इससे हम घर का लोड चलाएंगे। तो हमने इसमें 9 पैनल की सीरीज लगाई है। 9 पैनल की सीरीज लगाने के बाद एक बार हम इसमें वायर अटैच कर लेते हैं। तो जब तक हमने ये काम किया तब तक 6 बज चुके थे और धूप बिल्कुल जा चुकी थी। तो हम इसमें एक और वायर जोड़ लेते हैं, इसकी इनपुट में सोलर के और इसके आउटपुट में जो AC आउटपुट हमें चाहिए। तो ये इसके अंदर का डिज़ाइन है, जिसमें आप देख रहे हैं इसमें टोटल 6 टर्मिनल हैं। हमारा सबसे लेफ्ट का जो है वो है हमारा सोलर का प्लस, उससे नेक्स्ट जो टर्मिनल है वो है हमारा सोलर का माइनस, जो ब्लैक वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 टर्मिनल है वो हमारे AC आउटपुट के हैं, वो 2 एक्स्ट्रा दे रखे हैं अगर आगे कभी प्रॉब्लम हो तो उनका यूज हो जाए। उसके बाद फिर हमने इसमें सोलर की वायर लगाई। सोलर की वायर एक बार हम लगा देते हैं इसमें। सोलर की वायर हमने प्लस वाली इसमें रेड वाले में लगाई और माइनस वाली हमारी जो है ब्लैक वाले में लगाई।
तो पहले पॉइंट में हमने सोलर की प्लस वाली वायर लगाई, जो हमारी प्लस वाली वायर हम पीछे पैनल से लेके आए थे, तो हमने पहले यहाँ अटैच कर दी। उसके बाद फिर हमने माइनस वाली वायर इसमें अटैच की, जो हमारी सोलर से आई हुई थी। दोनों वायर अटैच करने के बाद हमने इसमें फिर अटैच किया एसी आउटपुट के लिए वायर। तो एसी आउटपुट के लिए हमने फिर दो वायर अटैच किए इसमें, जो नेक्स्ट जो टर्मिनल है दो, उनमें हमने एसी आउटपुट के लिए वायर अटैच किए। एसी आउटपुट वायर अटैच करने के बाद हमने जो नौ पैनल की जो सीरीज बनाई थी उसको एक बार कनेक्ट किया इससे, जो हमारा बैटरी लेस इन्वर्टर है उसको कनेक्ट करने के बाद, ये नौ पैनल की सीरीज कनेक्ट करने के बाद ये हमने अटैच कर दिया। अब हम चलते हैं एक बार अपने इन्वर्टर की तरफ। तो ये हमारा इन्वर्टर है, एक बार इसकी साइड में बटन दिया गया है, एक बार हम इसको ऑन कर देते हैं। तो ये हमने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इसमें जो आ रही है, जो हमारी वी एम पी पी है 271 वोल्ट है, 230 वोल्ट आ रही है, 0 वाट लोड चला हुआ है। लेकिन अभी क्या था, इतनी वोल्ट पे अब 271 तो आ रही है टोटल, अब हमें 220 तो वैसे ही चाहिए। धूप हमारे पास है नहीं, एम्पियर पावर भी हमारे पास नहीं है, तो हमने फिर इससे लोड ऑन करके देखा। तो अब हम देखते हैं इससे हमने क्या क्या लोड ऑन किया। मेनली तो हमने कंसील्ड लाइट ऑन की, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था, धूप हमारे पास बिल्कुल नहीं थी, तो हमने फिर कंसील्ड जो ये बल्ब है, कंसील्ड बल्ब को ऑन किया। ये जो आप देख रहे हैं, इन कंसील्ड बल्ब को ऑन किया, लेकिन इनमें से एक दो बल्ब ऐसे थे जो मतलब एक बार ऑन हुए फिर ऑफ हो गए, क्योंकि हमारे पास वोल्ट नहीं थी पर्याप्त मात्रा में। लेकिन इन्हीं कस्टमर का फिर रिव्यू आया हमारे पास बाद में, इन्होंने बाद में हमारे पास वीडियो भेजी, क्योंकि मैंने कहा था इनको कि भाई आप हमें वीडियो भेज देना, क्योंकि हम उसको शूट नहीं कर पाए। तो बाद में फिर उन्होंने हमारे पास वीडियो भेजी है, तो वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगा, शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी दो पार्ट्स में। तो भाई आप हम बात करते हैं कि एक्चुअल में हम इससे क्या क्या चला सकते हैं। देखिए जो हमारे नौ पैनल इससे अटैच हुए हैं, नौ पैनल से हम इसका घर का जो बेसिक लोड है, आप उसमें चाहे रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, या फिर आपके जो घर के एलईडी बल्ब हैं, टेलीविजन है, जो भी आपके बेसिक्स लोड हैं वो सब आपका चल जाएगा। अब बात आती है एसी की, अगर हम इससे एसी चलाना चाहें तो एसी के लिए आपको क्या करना है, 1.5 टन का इन्वर्टर एसी नौ पैनल की स्ट्रिंग से आपका आराम से चल जाएगा। तो फिर दूसरा कस्टमर का ये रहता है कि हमें सर 2 HP की मोटर भी चलानी है, तो 2 HP की मोटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 HP की मोटर के लिए आपको इसमें डबल स्ट्रिंग करनी पड़ेगी, यानी कि 8-8 पैनल की 335 वोल्ट के 8 पैनल की डबल स्ट्रिंग आप अगर इसमें कर दें तो 2 HP की मोटर आपकी आराम से चल जाएगी। क्योंकि ये यहां जो प्लांट था ये 28 पैनल का था और 335 वोल्ट के 28 पैनल वहां पर लगे हुए थे। तो मैंने इसमें दिखाया वीडियो में कि जब हमने वो पैनल, जो उस समय का टाइम था वो 5:30 के करीब था, जिस समय हमारी धूप बिल्कुल नहीं थी, तो वहाँ पे ये आपकी मोटर भी नहीं चल रही थी जो गोरुमड़ी तरफ से मिली हुई थी, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का लोड हमारे बैटरी लेस इन्वर्टर से चल रहा था, जिसमें हमें टाइम भी काफ़ी हो चुका था, 6 बजे से 6 से ऊपर हमें टाइम हो चुका था, क्योंकि जब हमने वो इंस्टॉल किया सारा लगाया तो हमें टाइम काफ़ी उसमें कंज्यूम हुआ। तो भाई ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि कैसे सोलर पंप से आप बैटरी लेस इन्वर्टर को कनेक्ट कर सकते हैं और साथ में उसका लोड भी चला सकते हैं। कस्टमर रिव्यू वीडियो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी। अगर आप इस इन्वर्टर को लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ये इन्वर्टर आप ले सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।